बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं बनाने लगी हूँ चने की निमको, जो फ्राई चने करते हैं। आधा किलो चने हैं तो इनको 2 घंटे हो गए हम भगोए को। अब इन्हें धोकर इनके अंदर सोडा नहीं डाला हुआ, इनके अंदर बेकिंग पाउडर डालेंगे। इनको मैं हंडिया में ही बॉयल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पानी डालते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, ढक्कन चलिए। चने हमारे बेहतर हो चुके हैं, जैसे हमें चाहिए थे वैसे हो चुके हैं। अब इनको चूल्हे को बंद करते हैं और इनको निकालते हैं छलनी में। इनको अब अच्छी तरह खुश्क होने देना। अच्छा जी प्यारी बहनों, ये चने जो थे मैंने साफ़ करके इनको धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया, फिर मिट्टी की हांडी में उबाल लिया। तो ये मैं आपको दिखाया था कि ये इतने गल चुके थे, हाथ से प्रेस हो जाते थे, ये इतने नरम हो चुके थे। तो इनको अच्छी तरह खुश्क किया पंखे के आगे रख के। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं, खुश होने चाहिए। अब चने अंदर डालते हैं, आयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई हो रहे हैं, आयल को अच्छी तरह गर्म करके, फिर चूल्हा गर्म ना सीधे करके दरमियाना, तो फिर इनको फ्राई करें और प्याज भी बहुत करें, कहीं तो छींटा वगैरह ना पड़ जाए। तो ये चीज़ों की प्याज करनी चाहिए कोई भी चीज़ फ्राई करते हुए। जैसे चने बाज़ार से लेते हैं वो इतने खस्ता भी नहीं होते, और दूसरी बात ये कि पता नहीं लगता कौन से आयल में उन्होंने फ्राई किए हो गया। तो हम घर में हर चीज़ बना सकते हैं, हर चीज़ तैयार कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि बच्चों के लिए घर में ही तैयार करें चीज़। ये छलने में डाल देते हैं। आवाज़ को आवाज़ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कितने खस्ता और कड़क से हैं। अच्छा जी, ये निमको बन चुकी है चनों की, बहुत खस्ता बनी है, बहुत लजीज बनी है। मेरी बहनें बनाएंगी और याद करेंगी कि हमारी एक बहन ने हमें अच्छी निमको बनाने का तरीका बता दिया। ठीक है, घर पर बनाएं, अच्छे आयल में बनाएं। तो ये इसके ऊपर डालते हैं चाट मसाला हल्का हल्का, तो बच्चों ने भी खानी है ये। तो आपको पता है बच्चे जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये चीज़ें, तो इसके साथ डालेंगे ये जी काला नमक जो चूर्णों में काम आता है जो पेट के लिए। तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये है जी मेरी बेटी ने सेवइयां बारीक बारीक बनाई, तो ये साथ शामिल करते हैं निमको की सेवइयां। मेरी बेटी का चैनल भी है, वो भी देखा करें, उसको भी लाइक किया करें। तो ऐसी चीज़ें आपको मेरी मुझे पता है कि मेरी बहनों को बनाना बहुत कुछ आता है, फिर भी कुछ ना हम सीखते हैं, सब लोग हम सीखते हैं एक दूसरे से, तो वो सीखना चाहिए हमें। ये मेरी बहनों को बहुत पसंद आएगी, बच्चों को, मेरी बेटियों को जो चटपटी चीज़ें खाती हैं उनको मुझे पता है बहुत पसंद आएंगी। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां ज़रूर खाएं और बनाएं भी और मुझे याद भी करें। तो आज की वीडियो हुई मुकम्मल। खुदा हाफिज़।